दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी बने कोच तो जय शाह ने दी बधाई। जी हां दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी के कोच बनते ही बड़े बड़े दिग्गजों ने बधाई दी है और इसी सिलसिले में अमित शाह के बेटे जय शाह ने महेंद्र सिंह धोनी को बधाई दी है। आखिरकार कब और कहां पर महेंद्र सिंह धोनी कोच बने और क्या है इसकी असलियत, जाने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली में कौन है खतरनाक खिलाड़ी, इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि T20 वर्ल्ड कप 2022 भारतीय टीम के लिए एक सपने के समान रहा, जहां पर भारतीय टीम सेमीफाइनल तक बेहतर प्रदर्शन करती हुई आई थी, लेकिन सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारतीय टीम काफी ज्यादा निराश दिखाई दे रही है, लेकिन अब भारतीय टीम में हार के बाद कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। इन बदलावों के लिए दिग्गज खिलाड़ियों ने भी अपनी राय देनी प्रारंभ कर दी है। भारतीय टीम के लिए कुछ नए खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया जा सकता है। आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप 2022 भारतीय टीम नहीं जीत पाए, लेकिन अब अगला वर्ल्ड कप 2023 में वनडे वर्ल्ड कप के रूप में भारत में होगा, जिसके लिए आपको बता दें कि बड़े ऐलान होना बाकी है। हालांकि सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है और उनकी जगह महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया जा सकता है। जी हां दोस्तों, सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी अमित शाह से मिले हैं और अमित शाह से मिलने के बाद ही पूरे इंटरनेट पर उनकी तस्वीरें वायरल हो गई हैं, जिसके बाद जगह जगह से कयास लगाए जा रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय टीम का हेड कोच बनाया जाएगा। इसके अलावा गुप्त सूत्रों के अनुसार उनके बेटे जय शाह ने इस बात की मांग की थी और उन्होंने अब महेंद्र सिंह धोनी को बधाई भी दी है। हालांकि अभी तक ये चीज स्पष्ट नहीं हो पाई है कि महेंद्र सिंह धोनी को जय शाह ने किस बात के लिए बधाई दी है और महेंद्र सिंह धोनी किन कारणों से अमित शाह से मिलने गए थे, लेकिन सूत्रों की माने तो महेंद्र सिंह धोनी हेड कोच बन सकते हैं। हालांकि अभी तक कोई स्पष्ट खबर निकल कर नहीं आई है, परंतु सूत्रों से यही जानकारी मिल रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी को कोच बना देना चाहिए या फिर नहीं, इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।